प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। 13 तारीख को पूरे प्रदेश भर में लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उसके लिए हमारे जिला कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। उसमें जो प्रभारी मंत्री लगाए हैं वो सब जाएंगे उस मीटिंग में, और लोकसभा के पैनल्स तैयार करने का जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वो 13 तारीख को करेंगे। समूचे राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट्स के ऊपर जो एक संभावित पैनल बनेगा उसकी शुरुआत जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में होगी। उसमें सभी कैंडिडेट्स, ब्लॉक अध्यक्ष, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो हेड्स हैं, हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं, PCC के जो महासचिव और उपाध्यक्ष प्रभारी हैं, वो सब लोग जाएंगे और लोकसभा चुनावों के लिए पैनल तैयार करने का काम 13 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे हर लोकसभा सीट के अंदर। कोई डेडलाइन है सर? 20 फरवरी तक ऐसा बताया जा रहा है कि सारे नाम देने हैं। हाँ, अब हम कल राहुल जी जयपुर में थे, 13 तारीख को हमारी मीटिंग है पूरे प्रदेश में, वहाँ से पैनल बनेंगे, फिर जयपुर में हम लोग चर्चा करेंगे और कमेटी के अंदर फाइनलाइज करने के बाद जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसी समय हम लोग अपने नाम बनाते हैं। नेक्स्ट CWC मीटिंग को लेकर भी चर्चा हुई थी जयपुर में करने के बारे में? फिलहाल अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया नहीं गया है। 30 तारीख को सेवा दल का कार्यक्रम बड़ा जयपुर में होने वाला है। हाँ, अब क्योंकि हमारा जो अग्रिम संगठन है हम चाहते हैं उनको और ताकत से काम करवाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है और कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। सरकार बनने के बाद जो लोगों को आज उम्मीद जगी है और हमने लगातार जो निर्णय लिए हैं किसानों के हित में, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो ऋण माफी के हों, सब लोग उससे बहुत उत्साहित हैं और हम इस मोमेंटम को मेंटेन करना चाहते हैं। संजीव वसुंधरा राजे जी को राष्ट्र उपाध्यक्ष बना दिया गया है पार्टी, उनको राष्ट्र राजनीति की तरफ। BJP के अंदर किस पद से कोई हट रहा है या कोई नियुक्त हो रहा है इसका जो टिप्पणी करनी है वो BJP के लोग करेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि प्रदेश के अंदर राहुल जी को भी हमने कल मन से कहा था कि उपचुनाव में हमने 2 सीट जीती थी 25 में से, हम पिछली बार सारी सीट हारे थे, अब जो बची कुछ 23 सीटें हैं उनको हमको जीतना है और वो सारी सीट जीतने के बाद यहाँ पर UP और कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनानी है, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।